वेज मोमो, इनका नाम सुन के सबके मुंह में पानी आ जाता है। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल श्रुति वेकर्स और मैं मेघा। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ वेज मोमोज की रेसिपी। तो चलिए फटाफट से इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इनको किस तरह से बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम अपने मोमोज की चटनी बनाकर तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैं एक कढ़ाई में डाल रही हूँ 1 ग्लास के करीब पानी। अब इसमें मैं डाल रही हूँ ये सूखी हुई लाल मिर्ची। ये तीखी लाल मिर्ची है जिसको जो कि मैंने 5 यूज़ किया है। अभी गैस हम तेज ही रखेंगे जिससे हमारा जो पानी है वो जल्दी से बॉयल हो जाए। वो तो जल्दी उबालने के लिए हम इसको ढककर रख देंगे जिससे पानी हमारा जल्दी उबल जाएगा। ये देखिए पानी हमारा बॉईल हो गया है। अब इसमें हम अपने टमाटर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने 4 बड़े साइज़ के टमाटर का यूज़ किया है और उनको हाफ कट कर लिया है। अब इसको हम फिर से ढककर रख देंगे जिससे कि जो टमाटर हैं वो हमारे अच्छे से पक जाएं और इनका जो छिलका है वो निकल जाए। ये देखिए हमारे टमाटर अच्छे से बॉईल हो गए हैं। अब इनको हम एक स्ट्रेनर में छान लेंगे। तो अब इन टमाटरों का जो छिलका है वो इनसे हम रिमूव कर देंगे इस तरह से। ये देखिए सारे छिलके निकाल कर अलग कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने सारे टमाटरों का छिलका अलग कर लिया है। अब इसको हम पीस लेंगे, एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। तो ये देखिए टमाटर हमारे पिस गए हैं। चलिए अब चटनी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस कढ़ाई में मैं डाल दूंगी 2 चम्मच तेल। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है तो मैं इसमें डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच कटी हुई लहसुन। इसी में मैं डाल दूंगी 2 चम्मच किसा हुआ अदरक। इसको 1 मिनट के लिए हम सौते कर लेंगे। अब इसमें हम अपने टमाटर ऐड कर देंगे जिसको हमने पेस्ट बनाया था। अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 चम्मच सोया सॉस। अब इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच विनेगर, आधा चम्मच नमक। अब इसमें मैं डालूंगी ये आधा चम्मच के करीब शक्कर। इसके तीखेपन को बैलेंस करने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस इसको हम ढककर छोड़ देंगे 5 से 7 मिनट के लिए। जब तक इसकी कंसिस्टेंसी ठीक नहीं हो जाती है तब तक इसको हम पकाएंगे। चलिए अब तक हमारी चटनी बन रही है तब तक हम अपना मोमोज का आटा लगाकर तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर ली है 2 कप मैदा और इसमें मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच नमक। इसमें मैं डालूंगी 2 चम्मच ऑयल। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और एक सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए मोमोज का टो हमारा बनकर रेडी है। अब इसको हम 15 से 20 मिनट के लिए ढककर रख देंगे रेस्ट करने के लिए। तो चलिए हम अपने मोमोज की फिलिंग बनाकर रेडी कर लेते हैं। और ये देखिए हमारी मोमोज की चटनी बनकर बिल्कुल तैयार है। अब इसको हम एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे के लिए। और इसमें मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच के करीब तेल। थोड़ा सा तेल गर्म हो जाएगा तो उसमें मैं डाल दूंगी ये सारी मेरी बारीक कटी हुई सब्जियां हैं इसमें, जिसमें मैंने लिया है पत्ता गोभी, गाजर, शिमला मिर्ची, प्याज। इन सबको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। उनको अच्छे से
मिक्स कर लेंगे। आधा चम्मच नमक, एक चम्मच सोया सॉस, इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कुटी हुई काली मिर्ची पाउडर, इसको अच्छे से हम मिला लेंगे। और सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब हम गैस बंद कर देंगे। स्टफिंग को निकाल कर एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, हमारी मोमोज़ की चटनी भी रेडी है और हमारी मोमोज़ की स्टफिंग भी रेडी है। तो चलिए मोमोज़ बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टफिंग भरने से पहले हम इसको थोड़ी सी ठंडी होने देंगे, तभी हम अपने मोमोज़ को भरकर रेडी करेंगे। तो ये आटा हमारा तैयार हो गया है, इसको थोड़ा सा हम मसल लेंगे। हाथों पे मैंने थोड़ा सा ये ऑयल लगा लिया है और इसकी हम छोटे छोटे पेड़े बनाकर रेडी कर लेंगे। छोटे छोटे पेड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने सारी लोइयां बनाकर तैयार कर ली हैं। अब हम इनको बेलकर तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से एक लोई ले लेंगे हम और इसको हम पतला बेलकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, ये हमने एक पतला सा बेल लिया है और इसमें हम अपनी स्टफिंग भरेंगे। इस तरह से भर लेंगे इसको और एक ही तरफ से हम इसको फोल्ड करते जाएंगे, इस तरफ से नहीं करेंगे। तो इस तरह से ये करते जाइए, हमारे मोमोज का शेप आ जाएगा। ये देखिए बन गया ना हमारा बिल्कुल मोमोज, इतना अच्छा लग रहा है ना देखने में। और इसी तरह से हम सारे मोमोज बनाकर रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे मोमोज बनकर बिल्कुल रेडी हैं स्टीम होने के लिए। तो चलिए इनको हम स्टीम होने के लिए रख देते हैं। तो पॉट को मैंने यहाँ पर पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया था और पॉट हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम अपने मोमोज बनाने के लिए रख देंगे। इस प्लेट को हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। ये मैंने सारे मोमोज इसमें लगा दिए हैं प्लेट में और इनको हम मैं रख दूंगी स्टीम होने के लिए। गैस हम यहाँ पर मीडियम ही रखेंगे और इसको हम ढककर पकने के लिए रख देंगे 5 मिनट के लिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे मोमोज बन गए हैं। ये देखिए हमारे मोमोज जो है ट्रांसपेरेंट हो गए हैं और हमारी जो हमने इसके अंदर सब्जियां भरी हैं वो दिख रही हैं खाने के लिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मोमोज और मोमोज की चटनी हमारी रेडी तो है। प्लीज़ एक बार इनको ज़रूर ट्राई करके देखिए और मुझे कमेंट करके बिल्कुल भी बताना ना भूलिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो जल्दी मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।